व्यूवर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माई चैनल जेनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हेयर आल स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर्स और बी एस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। अवर टूडेज कोर्स इज क्लासिकल पोइट्री एंड आई एम गोना टेल यू अबाउट द टॉपिक पैराडाइज लॉस्ट, हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। If this video guys is new for you, then hit like button and press subscribe button and press bell icon to get notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic. Guys, today topic is Hero of Paradise Lost. Paradise Lost is an epic by John Milton. Paradise Lost John Milton की तरफ से एक epic है. Its subject is the fall of man. इसका मौजू इंसान का ज़वाल है. It also tell the stories of rebellion and punishment of Saturn and the creation Adam and Eve. ये Saturn यानी कि शैतान की बगावत, सजा की कहानियाँ और आदम और ईवी की तख्लीक की दास्तानें सुनाती है. And Milton declared that his aim in the poem is to justify the way of God to man. Milton ऐलान करता है कि इस नज़म का मकसद मर्दों को खुदा के रास्ते का जवाज़ फराहम करना है. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दिस कंट्रोवर्सी हैव हंटेड द माइंड्स ऑफ क्रिटिक्स डैट हु इज़ द हीरो ऑफ मैन ग्रेट क्रिश्चियन एपिक पैराडाइज लॉस्ट. इब्तदा ही से इस कंट्रोवर्सी यानी कि इस कंट्रोवर्सी ने हंटेड के जहनों में ये बात डाल दी है कि कौन पैराडाइज लॉस्ट, अजीम क्रिश्चियन एपिक पैराडाइज लॉस्ट का कौन हीरो है. सैटर्न ऑक्यूपाइज द मोस्ट प्रोमिनेंट पोजीशन इन द एक्शन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट. सैटर्न पैराडाइज लॉस्ट के एक्शन में एक ख़ास मकाम रखता है. थो द मैन थीम मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस येट इट इज़ द करेक्टर ऑफ सैटर्न विच गिव द टच ऑफ ग्रेटनेस टू दिस एपिक. अगरचे मेन मरकजी यानी कि ख्याल इंसान की पहली गुस्ताखी या पहली गलती ये यहाँ तक कि ये किरदार शैतान का है जो इस एपिक को अजमत का टच देता है. फर्स्टली वी शिल डिस्कस दोज क्वालिटीज़ ऑफ सैटर्न विच मेक हिम द मोस्ट डोमिनेंट फिगर. सबसे पहले हम शैतान की ऐसी खसूसियात को डिस्कस करेंगे, ऐसी खसूसियात को पढ़ेंगे जो इससे मोस्ट डोमिनेंट बहुत ज़्यादा ख़ास शख्सियत बनाती है. द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ सैटर्न विच मेक्स हिम अ ग्रेट एपिक हीरो इज़ हिज हाई एम्बिशन. सबसे पहली खसूसियत शैतान की जो इसे अजीम एपिक हीरो बनाती है इसकी हाई एम्बिशन, हाई ख्वाहिशात, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात हैं. इवन दो ही हैज़ फैलन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, यहाँ तक कि ये बहुत ऊंचाई से गिरा था, येट हिज़ एम्बिशन हैव नॉट फैलन विद हिम, लेकिन इसकी ख्वाहिश इसके गिरने के साथ नहीं गिरी. अनदर क्वालिटी ऑफ सैटर्न एज अ हीरो इज़ हिज ग्रेट करेज. और इसकी दूसरी क्वालिटी, शैतान की दूसरी खसूसियत बतौर हीरो के, इसकी अजीम बहादुरी है. एट द बिगनिंग ऑफ बुक वन, किताब वन के शुरू में, वी फाइंड सैटर्न इन अ होपलेस सिचुएशन. हम शैतान को नाउमीद सूरत हाल में तलाश करते हैं. एंड हीज कंपेनियंस हैव बीन हर्ल डाउन इन टू द बॉटमलेस पिट ऑफ हेल के वो और उसके साथी दोजख के निचले हिस्से में झगड़ा कर रहे हैं. द डोर ऑफ हेवन आर परमानेंटली क्लोज टू सैटर्न एंड हिज कंपेनियंस. सैटर्न और उसके दोस्तों के लिए जन्नत के दरवाजे मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिए गए हैं. एंड दे आर डोम टू लीव फॉर एवर इन द डार्कनेस ऑफ हेल, और ये दोजख के अंधेरे में हमेशा के लिए रहने के लिए, हमेशा के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए बर्बाद हो रहे हैं. व्हेन ब्लेजीबब टेल्स हिम डैट देयर सिचुएशन इज़ होपलेस, ही रिप्लाइज, जब ब्लेजीबब इन्हें बताती है कि इनकी सूरत हाल नाउमीद है तो वो कहता है फैलन चैरब टू बी वीक इज़ मिजरेबल डूइंग और सफरिंग. फैलन चैरब कमज़ोर करना, दुख देना और तकलीफ देना. अनदर हीरोइक फ्यूचर इज इन द पर्सनैलिटी ऑफ सैटर्न इज़ हिज ग्रेट लीडरशिप क्वालिटीज़. और एक और हीरोइक शख्सियत में इसकी
यानी कि इसकी खासियत, शैतान की खासियत, अजीम रहनुमा की खसूसियात हैं। अ लीडर शुड हैव स्ट्रॉन्ग करेक्टर, एक रहनुमा करदार, मजबूत करदार का मालिक होता है। करिज, बहादुरी, एंड अनकंकरेबल, नाकाबिल शिकस्त विल, ताकत। एंड अबव ऑल ही शुड बी अ मैन ऑफ एक्शन, और सबसे बढ़कर ये अमल का इंसान होता है, यानी कि जो अमल करके दिखाए, ना कि सिर्फ बातें करे बल्कि करके दिखाए। सैटर्न हैज़ ऑल दीज क्वालिटीज़ एंड इन द फर्स्ट बुक ही अपीयर्स एज अ ग्रेट लीडर। शैतान में ये सारी खसूसियात थी और फर्स्ट पहली बुक में ये अजीम लीडर के तौर पर ज़ाहर हुआ था। हिस मैसेज इज़ क्लियर, इसका पैगाम क्लियर है, वाज़िह है। अवेक अराइज और बिफोर एवर फैलन, जाग उठो नहीं तो मरे रहो। सेट अनदर क्वालिटी विच मेक्स हिम अ ग्रेट हीरो एंड लीडर इज हिज रेडीनेस टू एक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सेटन की एक और खसूसियत जो इसे अजीम हीरो और लीडर बनाती है, मतलब लीडर बनाती है, वो ये है कि हर काम के लिए हमेशा तैयार रहता था। रेडीनेस, तैयार, टू एक्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, किसी भी सूरत हाल में जो इसे काम करना होता था वो करके ही रहता था ये। ही बिलीव्स दैट इट इज़ मैंस माइंड, वो ख्याल करता था कि ये आदमी का जहन है या ख्याल है, विच कैन टर्न हेवन इन टू हेल एंड हेल इन टू हेवन, जो जन्नत को दोजख और दोजख को जन्नत में टर्न तब्दील कर सकता है। गाइस, आज का टॉपिक पैराडाइज लॉस्ट, हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू द की पॉइंट्स ऑफ अ प्रोमिनेंट पीरियड इन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आई पुट ऑल माई एफर्ट्स टू प्रोवाइड वन ऑफ द बेस्ट मटीरियल टू यू सो डैट यू गाइज कैन प्रपेयर योर नोट्स इन बेस्ट वे। सॉरी गाइज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं, क्लासिकल पोइट्री के जो नोट्स हैं, हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। क्लासिकल पोइट्री की दो बुक्स हैं, द रैप ऑफ द लॉक एंड द हीरो ऑफ पैराडाइज एंड पैराडाइज लॉस्ट। और ये पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड क्वेश्चन है, हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। अगर आपको फर्स्ट बुक द रैप ऑफ द लॉक के क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल पर यानी कि हर क्वेश्चन के आंसर नोट्स और लेक्चर के साथ दिए गए हैं, आप मेरी वीडियो को देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।